ज़ुबैदा खान के किचन में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने गाजर का हलवा बनाया था, आप लोग हमारे चैनल पे देख सकती हैं, मगर अब की हम उससे आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। देखिए हमने ये 1 किलो गाजर ले ली है, इसको खुरच के अच्छे से धो करके हमने इस तरीके से काट लिया है। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए हमने इस चम्मच के नाप से 1 चम्मच देसी घी ले लिया है। हमारा घी हो गया है और इसमें देखिए हमने 2 सफेद इलायची डाल दी है। उसके बाद इसमें सारी गाजर डाल दी। अब देखिए इसको हम धीमे पे 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। बंद करके 10 मिनट धीमी आंच पे पका लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये हमारी गाजर को पकते हुए 20 मिनट हो गए, ये बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके पोंछ लेंगे। देखिए हमने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हमने तोड़ लिया है। अब हम इसमें 1 किलो दूध डालेंगे, क्योंकि मेरी गाजर 1 किलो है। जितनी गाजर होगी उतना ही उसमें दूध पड़ेगा। अब दूध डालकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये हमारा दूध अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, क्योंकि शक्कर हमने पहले इसलिए नहीं डाली कि दूध फट जाता। ये हमने 400 ग्राम शक्कर ले ली है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा शक्कर डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से पका लेंगे तेज आंच पे। शक्कर डाला है तो शक्कर से देखिए इसमें शीरा बन गया है। अब इसको भी अच्छे से हम सुखा लेंगे। ये मेरा बन गया है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू और बादाम। अब गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद इस चम्मच के नाप से 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। और इसको चला देंगे। और आप जब खाएं तो इसको गरम करके खाएं। गरम करके खाने से बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हमारा हलवा गरम गरम तैयार हो गया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा गरम गरम हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना ये हलवा। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।